शुरू किए हैं। तो केसरिया में वही चुनाव जीतेगा जो मुस्लिम मतदाता को साथ लेगा, और इसी कोशिश में रिंकू पाठक जुटे हुए हैं। क्या होगा रिंकू पाठक का? रिंकू देखिए, ए हवाओ इधर आओ, रिंकू पाठक का दिल में चले जाए और उनका पैगाम सुनाओ, जितने हजरत हैं उनकी भी दिल में चल जाए। ये आईना कबूतर के देखे ताही रहूं, ए हवाओ इधर आओ, रिंकू पाठक का दिल में चल जाए। सुभान अल्लाह, देखिए ये 37-38 सौ घर दिए हैं, हैं, और सबको दिल खुश किए हैं, फूस के झोपड़ी नहीं है, अब छत मकान में रहते हैं, ईंट के मकान में रहते हैं, लेटरिन नहीं था, लेटरिन में रहते हैं, कितनी मने थे, आज जितने नेता आए और सब हम लोगों को धोखा देकर गए, सब धोखा देकर गए। ये ऐसा सख्त इंसान है कि ये सबको गले लगाते हैं और सबसे मिलते हैं, सबके फरियाद सुनते हैं और सबको मदद करते हैं, और इनकी जीत हमकी ऐसी जीत होगा, लाखों में जीत होगा इनकी। लालू यादव का MY समीकरण का क्या होगा? वो तो बहुत हम लोगों को कहकर हमको धोखा दिए और हमको बहुत मौका मिला, मगर धोखा देते गए और हम लोगों का काम पूरा नहीं हुआ। मगर एक ऐसा शख्स है कसरिया के सर जमीन पर, रिंकू पाठक, वो दिल जान से हम लोगों का मदद किए और इनकी हम लोगों का आत्मा को खुश किए और इनका भी आत्मा कुदरत पूरा करे। आप बताइए कि केवल ये दिखाने के लिए है क्या अल्पसंख्यक देंगे रिंकू पाठक? नहीं नहीं, अल्पसंख्यक तो हम की मर्तबे इतना दीवाना हो गए हैं इनके कार्यकाल पर, इन्होंने सब कुछ छोड़ करके मुसलमानों के लिए अपना जो जो काम किए हैं, इसलिए लोग अमकी मर्तबे दीवाना हो गए हैं और इनका कर्ज सधाने के लिए बेचैन है। इन्होंने जो मुसलमान को जो घर दिए और हिंदू को घर दिए, सबको बसाए घर, जो नगर पंचायत में 11 वार्ड है, 11 वार्ड में आपको जो नाला सड़क विकास का धुरा तुर दिए हुए हैं, इनमें कोई जात पात नहीं है, इसलिए जात पर जिसके साथ नहीं बात उनके साथ नहीं है, उनके साथ हम लोग हैं, इसलिए इनका विकास का मुद्दा है, केसरिया को आगे बढ़ाना है, इनका शौक है कि हम अमकी मत पे विधायक बने। इन्होंने नगर पंचायत में वार्ड पर लड़े, वार्ड से चेयरमैन में आ गए, निर्विरोध चेयरमैन बने, निर्विरोध बने, इसलिए इनके साथ हम लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन हुआ, मैं केसरिया नगर पंचायत अल्पसंख्यक जदयू का नगर अध्यक्ष थे, लेकिन जदयू छोड़ के आ गए, छोड़ दिए जदयू, छोड़ दिए जदयू, इसलिए छोड़ दिए कि इनका बात व्यवहार काम कार्यपाल बहुत बढ़िया है, इनके पास कोई जात पात नहीं है, इसलिए छोड़ करके मैं इनके साथ हूँ। क्या हाल है? ठीक है। जीतेगा रिंकू पाठक? जीतेंगे। कैसे? हम लोग सब लोग साथ हैं उनके, विकास किए हैं केसरिया नगर पंचायत में, पूरा एक भी घर मुड़ई का नहीं है, जो भी है सो पक्का है, मतलब पैखाना रोड नाला सब ओके है, टना टन का। बाबा कौन जीतेगा? रिंकू पाठक। हाँ, कहे जीतेगा? कहे नहीं, विकास बहुत कर रहे हैं, बहुत चीज कर रहे हैं, मैंने सिमटी पैखाना घर सब लोग दिया है, दहाई में पैसा भी दिवाए हैं, सब चीज के राज कर दिए हूँ। हाँ। कहे नहीं जीतेंगे? तो केसरिया शहर के अल्पसंख्यक बहुल इलाके में हम हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार यहाँ के लोगों का क्या रुझान है। ये बताइए, सर्वे है, आप बताइए किसको जिताना चाहते हैं यहाँ से? किसको जिताते हैं? चले महेश्वर सिंह को। पार्टी के हैं? फूल साहब। आप बताइए यहाँ किसको जिताना चाहते हैं? सबसे पहली नंबर बात है, जिताने से नहीं होता है, सर्वे है, सर्वे सर्वे, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे विद्युत हमारे काम करें, जैसा भी नेता हो, जो भी नेता हो, कौन है यही तो मुझे सर्वे में यही बता। हमारे पंचायत नगर पंचायत में सबसे बड़े हमारे चेयरमैन रिंकू पाठक जी हैं, जो चेयरमैन है, माने हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, चलिए आप बताइए किसको? सर हमको चाहिए विकास, और यहाँ चाहिए सबसे पहले शिक्षा,
केसरिया में बहुत सालों से लोग यहाँ विधायक किए हैं और यहाँ पे डिग्री कॉलेज की बहुत बड़ी कमी है। नहीं, कौन पूरा करेगा, कौन कैंडिडेट? जो कैंडिडेट अपने सर्वे है, बताओ किसको चाहते हो? ये तो सर अपनी मत की बात है, तो सर्वे में बताना है तभी तो हम निकालेंगे रिजल्ट। सर अपनी बात है तो यहाँ वर्तमान विधायक ही सब लोगों की पसंद है, तो वर्तमान विधायक ही है। आप किसको चाहती हैं जिताना चुनाव? हम कथी 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 दिया किसको जिताना चाहती हैं चुनाव? और उतना हमने के अभी अथी बाटे जे जीती सकरा के जितावल जाए। बाबा किसको जिताना है, किसको वोट देना है? जेकरा मन करियो के दे दे। आप बताइए। अभी हमरा दिक्कत बटे, हमरा बुझाला ना है। किसको जिताना है चाची? अब हम कैसे कही जे है? अभी अनुभव थोड़ा ही है। किसको चाहते हो? अभी कुछ न है, हम कहे सर्वे है, बताओ। सर्वे है तो हम कौन चीज बताएंगे? किसको चाहते हो? तो अभी हम किसको हम बताएंगे, अभी हम किसको बताएंगे? चाचा सर्वे कर रहे हैं हम लोग, किसको जिताना है इस बार? जिताएगा जिसको मैं अच्छा काम करेगा जिताएगा उसको। कौन कर रहा है ये तो बोल रहे हैं, ये सर्वे है बताइए। हाँ, कौन कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं? रिंकू पाठक के। अच्छा, आप बताइए। रिंकू पाठक के। किसको जिताना चाहती हैं चाची? किसको जिताएगा? लो जो काम अच्छा कर रहा है उसी को लेकर चला जाएगा। अब देखो, अब सब कोई राय मसाला करेगा, उसको बाद में निकाले है बताइए। सर्वे होने से क्या बात? नाम बताइए। उन्हीं को दिया जाएगा जो आगे से जीते हैं। कौन? रिंकू पाठक जीते हैं, उन्हीं को लिखा। क्या करते हैं आप लोगों के लिए? बहुत कुछ किए हैं। हाँ। ये बात तो सही है। हाँ। हम के बार वो जीते हैं तो लोग को एक घर भी बाकी नहीं है घर बनवाने में, तो ऐसे तो आदमी बोलबे करेगा। जो कोई जो काम करता है उसको दिया जाएगा। आप देखे इसको आगे में क्या हो रहा है। आप बताइए चाची किसको जिताना है? रिंकू पाठक है। कहा ना जुताएंगी? क्यों जुताएंगी? वो देखता है। क्या देखता है? देखता है का? गरीब अमीर का सब देखता है। हाँ। गरीब अमीर का सब का देखता है। देखता है सबको। किसको जिताना चाहती है? अब केकरा का जिकरा का मन कर सकरा का जीता है। सर्वे है बताइए किसका मन कर रहा है? रौरे के। नहीं, हम थोड़े लड़ता नहीं। हाँ। बताइए, सब लोग बता रहे हैं यहाँ कि रिंकू पाठक, आप किसको चाहती है? उनका रे के। किसको? रेशु पाठक। रिंकू पाठक क्यों? उनके कता दिया ला। हाँ, काम कर ला। हाँ, पैसा उसा ये देवे ला। हाँ। किसको चाहते हैं इस इलाके से आप लोग जिताना? सर्वे है बताइए। अभी तो हम लोग कुछ निर्णय अभी नहीं है, जो लोकल है उसी के सपोर्ट में हम लोग। कौन है लोग? रिंकू पाठक का है, अभी कैंची साहब से पप्पू यादव के पार्टी से है। अभी बाकी जो आगे का मोमेंट जिस तरह होगा, जो जीतेगा उसको आदमी जिताएगा। हवा है, कौन किसको जिताना चाहते हैं आप? यहाँ तो हवा है रिंकू पाठक का। रिंकू पाठक का हवा? हाँ, कैंची साहब का। पूरे शहर में लोग रिंकू पाठक कह रहे हैं, क्या है ऐसा खास? ऐसा खास ये है से विकास वो ज़्यादा किए हैं, चेयरमैन जब से हुए हैं उनको थोड़ा सा पद मिला तो बहुत कुछ किए हैं जनता के लिए। तो ऐसा ही हम लोग को विधायक भी चाहिए, ऐसे सीट मिल जाए से काम आगे में हो, विकास हो। चाची किसको जिताना चाहती हो? अभी ना हमरा नशा के वोट दे हो के हमरा के कुछ नशा कर ले हम के नीचे हम चल ना हम अपना मन के गुप्ते बजा हम अपने मन से बतावा ना ना जी हम ना को अबे ना करे केहू के ना केहू के ना अरे केहू के देबे अरे वोट देना चाहिए कीमती चीज है घरे बैठे घरे बैठे ना वोट कीमती चीज है अरे हमरे के का केहू घरे बैठे लेबे ना क्यों नाराज है कोई किसी भी राज जो यहाँ पर लोग विधायक या कोई भी चीज बना हुआ है जब से इनका कोई काम ही नहीं हुआ है इसीलिए खिलाफ है कि वोट हम नहीं देंगे। आप लोग तो कह रहे हैं रिंकू पाठक, हम लोग के हिसाब से तो अभी तक ठीक है युवा के हिसाब में। अब आगे के सब आदमी के लिए सब कोई ठीक नहीं होता है उसी हिसाब से है। चलो बता किसी को बता दो ना जी, हम किसी के को कोई के ना बता उसके दस से आ रहे हैं। किसको जिताना चाहते हैं जी? कोई चीज आप रिंकू जी कहता है कि एमओआई समीकरण लालू का है यानी यादव मुस्लिम लालू के साथ है, आप रिंकू पाठक के साथ क्यों? तो छल किया गया हम लोगों के साथ, आज तक छल करते लोग आए मुसलमान के साथ एमवाई का समीकरण बताकर। ये हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, बहुत विकास किए हैं, इंदिरा आवास दिए हैं, रोड नाला पानी का व्यवस्था किए हैं, इसलिए हम उनके पीछे हैं और हम लोग इनसे खुश हैं और सारा जनता खुश है इनसे।
आप बताइए क्यों देना चाहिए रिंकू पाठक? रिंकू पाठक जी में मतभेद नहीं है, जात पात का बात कोई बात नहीं है। इन्होंने ईमानदारी से अपना काम करते हैं और जात पात लेकर नहीं चलते हैं, सभी को लेकर चलते हैं एक समाज लेकर के। लेकिन जब चुनाव आता है तो मुस्लिम लोग गोलबंद हो जाते हैं। मुस्लिम में गोलबंद कह ले तो मुस्लिम को फंसाते हैं लोग, गोलबंद अलग करने के लिए फंसाते हैं। मुस्लिम तो समझता है कुह का है। हम लोग रिंकू पाठक के लिए हमेशा काम करते हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ आए। झूठ मत बोलिएगा, क्या होगा? देखिए इंशाल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे। रिंकू पाठक ऐसे हैं कि वो जो है ना सबकी दुख सुख में शामिल रहते हैं और मदद करते हैं और इनसे मदद मिलता है। और देखिए घर नहीं था तो घर ये नगर निगम से ये चेयरमैन हो गए तो सबको घर बन गया, 350 घर बना दिए। ये गरीब लोग खुश हैं इनसे और हम लोग अपने दिल से इनको चुनाव में हम लोग जिताएंगे, इंशाल्लाह जिताएंगे और इनको विजयी बनाएंगे।